गुड मॉर्निंग टू ऑल डॉक्टर्स। सर, जन्मदिन की सबको बधाई, हनीमन सर के जन्मदिन की। और सर, क्या है ना, जब फंडामेंटल कोर्स के बारे में हमें जानकारी डॉक्टर स्वाति, जो मेरी फ्रेंड है, उससे मिली। उसके पहले सर मैं जीपी करती थी, और जो होम्योपैथी के बारे में मेरा जो ज्ञान था वो इतना ही बहुत कम था, क्योंकि जितना कॉलेज में पढ़ा था उससे मुझे नहीं लगता था कि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कभी जिंदगी में कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब फंडामेंटल कोर्स किया सर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और होम्योपैथी के बारे में जो भी समझ बढ़ गई, तो आपकी वजह से ही बढ़ गई। इसलिए सर, आपको भी चरण स्पर्श करती हूँ, और डॉक्टर हनीमन सर को भी। और सर, जब पूरा होने के बाद मेरा कोर्स, मैंने सॉफ्टवेयर लिया, और जो घर के पेशेंट थे, घर वाले जो हमारे बच्चे या सास ससुर, उनके ऊपर मैं ट्राई करती गई, तो उससे जो रिजल्ट आते थे, तो उससे सुकून मिल पा रहा है। और सर, बाद में मैंने जब बाहर के लोगों को देने को स्टार्ट किया, तो उनके ऊपर भी रिजल्ट दिख रहे हैं, और उनका भी, उनसे भी, उनकी वजह से भी और पेशेंट भी बढ़ रहे हैं सर। और तभी से होम्योपैथी के बारे में और ये बढ़ रही है सर, उसकी समझ ज्यादा हो रही है, और उसके ऊपर भरोसा ही बढ़ रहा है। और सर, जब आप एडवांस कोर्स चालू किया, उसके पीछे ये कारण था कि जो भी आप क्रॉनिक केस डील करते हो, या आप हर एक केस में आप रिजल्ट पाते हो, जो मैंने आपके पास आके देखा है, और जो आपकी समझ है उस तरह की हमारी भी बन जाए, इसलिए एडवांस कोर्स स्टार्ट किया, उसमें ज्वाइन हुए हैं सर मैं। और उसका ये फायदा हुआ है कि जो भी डिसीज है, उसके पीछे का जो कॉज है, और उसका जो वाइटल फोर्स का एंगेजमेंट, और उसके जो इफेक्ट्स है, प्रोग्नोसिस बोलते हैं उसका, डिसीज का, वो भी देखना चाहिए, और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मेडिसिन देने का, और हमें किस हद तक डिसीज की जानकारी, और कौन से सिस्टम पे उसके क्या परिणाम हो सकता है, ये हमने आपसे ही सीखा सर। और जो भी एंटीसोरिक रेमेडी के बारे में डर लगता था पहले प्रिस्क्राइब करने के बारे में, तो उसमें डोज के कैसे हम दे सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो भी हमें आपने अच्छी तरीके से सिखाया, और सर उसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। और जो अभी सोरिक सिम्टम की समझ बढ़ रही है सर, पहले फंडामेंटल कोर्स में जो आपने पढ़ाया सोरिक सिम्टम, वो इतने मुझे नहीं ध्यान में आई थी, लेकिन अब जब आपने वो सोरिक सिम्टम का हमें मेडिसिन के इसमें काम कर रहे हैं, तो उसे कैसा देखना चाहिए? पहले मैं ऐसा ही देखती थी कि खाली ये सोरिक सिम्टम कवर करता है और ऐसा देखना है, पूरा मैं देखती नहीं थी, लेकिन अब हर एक वर्ड का मीनिंग लेके, और उसके जो अलग अलग ये रहते हैं, वो कैसे देखना है, वो अभी समझ में आ रहा है। और उस हिसाब से जब प्रिस्क्राइब करते हैं, तो रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं सर। और जब ये तो हुआ, लेकिन अभी आपने ऑर्गेनन को भी जो बारे में जो हमारी आप समझ बढ़ा रहे हो, पहले भी पढ़ा है ऑर्गेनन, बहुत बार पढ़ा है सर, लेकिन ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था, लेकिन हर एक एफोरिज्म का मीनिंग क्या है वो आपने बताया, और जब हम सब डिस्कशन करते हैं, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। और डॉक्टर हनुमान सर के बारे में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी जो समझ थी उस टाइम पे, उसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते सर हम उनके बारे में, उनकी जो बौद्धिक क्षमता या हर एक चीज को बारीकी से देखने की जो क्षमता थी, वो शायद हम में से कोई भी उनकी तरह नहीं देख सकता है। हर एक एफोरिज्म पढ़ते हैं ना, तब उनकी आगे की और पीछे की जो
सोचती, उसकी समझ प्रतीत होती है सर हर एक एपोरिज्म में। और आपकी वजह से अभी ऑर्गेनन में भी इंटरेस्ट आ रहा है सर, और ऐसा लग रहा है कि अभी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जब से आप अपने डिस्कशन स्टार्ट करने को बोला है तब से एपोरिज्म का भी अप्लाई हो रहा है सर हर एक केस में पेशेंट के बारे में। और सर इसलिए एपोरिज्म जो है बाकी के वो भी हम आप जैसे बता रहे हैं हर एक सिम्टम के बारे में कैसा पढ़ना है उस तरीके से स्टडी चालू रखने वाले हैं सर। और ये उम्मीद करते हैं कि आगे और जब तक हम सब मिलके काम करेंगे ना तो हर एक केस में शायद हम ये कर सकते हैं सर, डील कर सकते हैं हर एक केस। इतना ही था सर, और थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर सुभांगी, बहुत बहुत धन्यवाद।